Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your biology teacher, here to complete the chapter tissues. This is your last lecture of this chapter, students, and after that I will send few important questions, and you have to complete your work in your notebook, and I will send the PDF of complete chapter. So students, complete your work on time so that you can prepare your chapters for your examination. So today's topic is nervous tissues. Students, nervous tissues में फिर कुछ general properties वगैरह हम पढ़ेंगे, इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे कि किस तरीके से work करते हैं. General properties क्या है? It is compound of tissues and is formed of four type of cells, of which neurons are important type of cells. ठीक है, इसमें चार टाइप की सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, आउट ऑफ विच जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं. इट फॉर्म्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, एंड दीज हैव द पावर ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस. नर्व इम्पल्स में एक्साइटेशन और कंडक्शन जो है वो इन्हीं की वजह से होता है. तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन कंपोजिशन किस किस चीज़ का बना होते हैं. जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं, इट इज़ कम्पोज ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स. चार टाइप की सेल्स के बने होते हैं, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल. यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, डायग्राम में आपको ईजिली सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देखिए, सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और नर्व सेल. न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, अबाउट वन मीटर का अराउंड होती है. तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर हमारी बॉडी की पूछी जाती है तो वो हमारा न्यूरॉन होता है. एंड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स. ये टू पार्ट्स की बनी होती है. फर्स्ट वन इज साइटन या सेल बॉडी और दूसरा है नर्व प्रोसेसेस. ठीक है फ्रेंड्स, साइटन या सेल बॉडी क्या होती है? इट इज़ न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन. ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड पार्ट होता है न्यूरॉन का, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड हु साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. इसका जो लिक्विड होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है सेल बॉडी के अंदर, उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. एंड हैज़ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स. और फाइन थ्रेड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं. एंड आर रिच निसिल ग्रेन्यूल, और उसमें निसिल ग्रेन्यूल भी पाई जाती हैं. तो ये सब स्टूडेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं. न्यूक्लियस हुआ, न्यूरोफिब्रिल हुआ और निसिल ग्रेन्यूल. ठीक है, सेल बॉडी को हम साइटन भी कहते हैं. दूसरी चीज़ क्या आती है, इसमें आती है नर्व इम्पल्सिस. नर्व प्रोसेस में आती हैं. दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है अराइजिंग फ्रॉम द साइटन. ये वो प्रोसेस है जो कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, साइटन या सेल बॉडी से. एंड टू टाइप्स की होती है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. एक्सॉन देखिए स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देखिए एक्सॉन कौन से हैं. डेंड्रॉन आपको फर्स्ट वन दिखाई दे रहा है, ये डेंड्रॉन है. और ये जो कंप्लीट है, ये क्या है, ये इसका एक्सॉन है. एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. तो यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस पढ़िए. नंबर एक्सॉन जो होते हैं ऑलवेज सिंगल होते हैं, और डेंड्रॉन मे बी वन और मोर, एक भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. साइज लॉन्ग साइज्ड होता है एंड मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड. हो सकता है ब्रांच हो और हो सकता है ब्रांच्ड ना भी हो, जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है. ठीक है, ये डेंड्रॉन जो होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं और हमेशा ब्रांच्ड ही पाए जाएंगे. जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए डायग्राम में, वो क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या होता है एक्सॉन का, दिस कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटन. साइटन से नर्व इम्पल्स ले जाकर कहाँ, दूसरे सिनेप्सिस तक ले जाता है, मतलब दूसरे साइटन से दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसकी सेल बॉडी तक ले जाएगा. ये एक्सॉन का फंक्शन ही होता है. डेंड्रॉन क्या होते हैं, कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस टूवर्ड द साइटन. ये साइटन की ओर लेकर आते हैं. ठीक है, एक्सॉन तो साइटन से दूर लेकर जाते हैं, मतलब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं इसको, नर्व इम्पल्स को. और ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को साइटन तक लेकर आते हैं. मीन्स हमें कुछ भी करंट वगैरह लगता है, कुछ भी हमें सेंस होता है, तो वो हमें डेंड्रॉन जो है उन्हें परसीव करते हैं. ठीक है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इन्हें परसीव करते हैं और हमें हमारे ब्रेन तक पहुँचा देते हैं. फिर सेकेंड चीज़ आती है स्टूडेंट्स, न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया क्या होते हैं,
न्यूरोग्लिया जो होते हैं ये नॉन नर्वस होते हैं, इरेगुलर सेल होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन द न्यूरॉन इन ब्रेन, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये न्यूरोग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, गैंग्लिया और रेटिना ऑफ द आई के बीच में। दीज एक्ट एज पैकिंग सेल बिटवीन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के बीच में जो पैकिंग सेल है उनका फंक्शन करते हैं ये न्यूरोग्लिया। फिर है न्यूरोसिक्रिटी सेल्स, न्यूरोसिक्रिटी सेल्स जो होते हैं ब्रेन के वो क्या करते हैं, वो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। फिर है एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल जो होती है सीलिएटेड होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं विच लाइंस द कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच की जो कैविटीज होती हैं वहाँ पाई जाती हैं सेल्स। तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है आपका कि आपको लर्न नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं आप इसमें हर चीज़ डायग्राम जो है आपको टफ लगे कि आप इसको हर चीज़ को ही लेबल करें। मेन जो है आप ये क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसे हम कह रहे हैं, देखिए न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, न्यूरोफिब्रिल, एक्सॉन और निसिल, ग्रैन्यूल, सेल बॉडी और साइटन, आप इसको कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप कर लीजिए सिनेप्सिस को और सेकेंड साइटन को, इतना ही काफ़ी आपके लिए, ज़रूरी नहीं है नोड और रेनवियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब देखिए वैसा मैं आपको समझा देती हूँ, मेडुलरी शीथ जो पाई जाती है ये इसलिए पाई जाती है, इसके ऊपर कवरिंग जो पाई जाती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक सेल बॉडी से दूसरी सेल बॉडी तक उसमें कुछ भी दिक्कत ना हो, नहीं तो क्या होगा, हमें गलत इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी, गलत इन्फॉर्मेशन पास ना हो इसलिए जब ये नर्व कंडक्शन होता है, नर्व इम्पल्स होता है तो इसके चारों तरफ ये कवरिंग पाई जाती है, मेडुलरी शीथ पाई जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो भी हो रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या हैं, कुछ ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, फिर क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक टिश्यूज़, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो होती है लाइफ की वो क्या होती है, सेल होती है। ये सेल्स कैसी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, है ना। इस सेल जो है इस सेल इज़ अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मास ही तो होता है एक तरह का सेल, बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या किसका बना होता है, इस फॉर्म्ड ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड लाइक वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, है ना, एंड दीज आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक एंटिटीज बिकॉज दीज नॉट ओनली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो अंडरगो ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। Because these not only move from one place to another but also undergo growth, repair and regeneration and exchange of materials with the extracellular medium. So have an open system. Open system होता है इनका एक, ठीक है। Multicellular organism जो होते हैं वो coordinate करते हैं, उनकी cells साथ में coordinate करती हैं एक दूसरे के, और क्या बनाती हैं, tissues बना देती हैं, और वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एनिमल में कितने टाइप के टिश्यूज़ पढ़े हैं हमने, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, एंड ईच ऑफ विच इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, सभी टिश्यूज़ अलग अलग तरह के फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। एनिमल जो है फॉर्म फ्लैट वर्म्स टू मैमल्स, प्लेटफॉर्म से मेमर्स तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टू फॉर्म द ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यूज जब सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन कहलाएंगे, एंड ईच ऑफ विच इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट किस चीज़ का फंक्शन करता है, पंपिंग एक्शन टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, लंग्स रेस्पिरेशन का, किडनी इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, स्टमक स्टोरेज, चर्निंग एंड अर्ली डाइजेशन ऑफ फूड, इंटेस्टाइन कम्प्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो ये सभी अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं इन ऑर्गन्स के, इनको क्या नीड होती है, रॉ मटेरियल्स की, जैसे कि एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द फूड, यू ऑल नो वेरी वेल, एंड विच वी इंजेस्ट, सो सप्लाई ऑफ फूड इज़ मस्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सो टू कीप अ पर्सन हेल्दी। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं वो हम आपको सेंड करूँगी, और आफ्टर दैट आई विल टेक योर सरप्राइज टेस्ट। सो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर फॉर दैट, आज के लिए इतना ही, बाय।